अंदर साहब ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम दो दिन से बॉडी ढूंढ रहे हैं, क्या वो आपके साथ में ढूंढ रहे थे या नहीं? भाई वो तो दुनिया देख रही थी, चैनल चल ही रहा था भिवंडी और कामा गांव से, बहुत कई दूर दूर का मामला नहीं है भाई, ये तो हर जो सुन रहा था वो आ रहा था देखने के लिए। हाई टेंशन वायर पे लटक के उस बच्चे की जान गई, बॉडी कहाँ गई पता नहीं चला, हम दो दिन से ढूंढ रहे थे। 35 लाख रुपए तक का वो तैयार हो गए, उसके बाद में जो और भी उसके 10 लाख 12 लाख की जो भी उसके और अमाउंट है वो भी टोरेंट देने के लिए तैयार है, एक्स्ट्रा और जो भी उसको मिलने वाला है वो भी उसको मिलेगा। साजिद भाई ने एक मेहनत और की तहसीलदार से कि भाई यहाँ से भी कुछ मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत, तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 लाख का चेक मिल गया, आप लोगों के सामने है। और हम जब से हमारे साथ है और ये जो कुछ भी मिला है उन लोग दोनों की वजह से ही मिला है। 4 लाख रुपए का चेक मिला है तहसीलदार से। आज उसको 4 लाख का जो सरकार का जो फंड मिलना चाहिए था इमीडिएट, वो आज 4 लाख का चेक दिया गया है। यहाँ सुनने में आया है कुछ लोगों का बोलना है कि यहाँ पे भी वो चेक रुकाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आगे अपने हाथ से चेक देंगे, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला हिसाब है यहाँ पे। माहौल बना रहे उस पर क्या कहेंगे, दलाली कर रहे हैं दलाली के, वो तो लड़के के जो जिसका इंतकाल हुआ उसके घर वाले बताएंगे हम लोग ने क्या क्यों रुके, वो हमारे साथों साथ थे। जो कुछ भी हुआ जब से हुआ है वो दोनों हमारे साथ ही है और हमारे साथ रहे जब से हादसा हुआ है, ना घर गए ना कुछ। अगर इसको कोई दलाली नाम देता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम दलाल। और अभी ऐसा कोई इल्जाम कोई पर्सनल शहर का आदमी नहीं लगा रहा है, ये पर्सनल एक पार्टी के कुछ लोग है जो नाकाम हो गए थे, जो चाहते थे कि चोरन के ऊपर FIR होना चाहिए और उन्होंने पूरी ताकत लगाई। तुम्हारे पास क्लिप भी होगी, मैं भेज देता हूँ MLA साहब की, उन्होंने बम्बई में बैठ के क्या बोला था, तो मुझे वो FIR की कॉपी चाहिए, वो FIR वो नहीं करा पाए, उनकी गलती है, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने का ये कुछ लोगों का काम है। मैंने अपने तमाम साथियों को कहा था कि जब तक FIR नहीं होगी आप वहाँ से हिलना मत, और मैं भी यहाँ से वहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे अभी सीनियर PI का फोन आया था कि हाँ उस पर FIR हो रही है और उस बच्चे को हमने मांग की है कि 25 लाख रुपए मुआवजा मिले। वो खाली ज्यादा करते हैं, फोटो खिंचाना, क्रेडिट लेना, और उनके क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत सा काम रुक भी जाता है शहर का। अब हमारे शहर के पावर सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए उसने जो अपनी जान पे खेल कर जो काम किया है, हम मुख्यमंत्री साहब कृष्णा शिंदे जी से मिलकर और उसको एक्चुअली हाई टेंशन वायर पे अगर आप वीडियो देखेंगे वो लटका हुआ है और एक पोल से दूसरे पोल जाने के लिए मशीनरी या क्रेन ना यूज करते हुए उस बच्चे को चढ़ाया गया और नीचे टोरेंट पावर के लोग खड़े थे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के तहसीलदार ऑफिस में। आपको पता है कि शुक्रवार को जो बारिश हुई थी और उसमें एक हादसा हुआ था, उबैदुर रहमान नाम का एक 35 वर्षीय युवक जो है वो बह गया था पानी के बहाव में, जिसकी मौत को लेकर जो है भिवंडी शहर काफी हिल सा गया था। ऐसे कुछ फुटेज हमारे सामने आए थे जिसे देखकर लोगों का दिल दहल गया था। उबैदुर रहमान खुद हाई वोल्टेज पावर में जो है हाई वोल्टेज तारों के ऊपर जो है लटकता हुआ नजर आया था, जिसके बाद में तो 42 घंटों के बाद में उसकी बॉडी जो है कांबे गांव से मिली थी और तब से लेके अब तक जो वहां के स्थानीय नगर सेवक है उसको ढूंढने से लेकर जो है उसके परिवार वालों को जो उसकी पीड़िता है उनको मुआवजा दिलाने के लिए पीछे लगे हुए थे। उन्होंने पहले टोरेंट पावर से जो है वहाँ पे उनको मुआवजा दिलवाया, उनका मुआवजे की कुछ रकम आई है और यहाँ पे आज प्रशासन की तरफ से उनको 4 लाख रुपए का चेक तहसीलदार ऑफिस से दिलाया था। लेकिन इस बीच में कुछ बातें शहर के अंदर इस तरह से भी उठ रही थी कि कुछ एक राजनीतिक पार्टी जो है इस मामले में, इन सारे मामले में मुआवजा दिलवाने में और उसको मदद लेने में जो है एक अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, उन सारी बातों का जवाब हम ढूंढेंगे यहाँ पे इन स्थानीय नगर सेवा के साजिद हुसैन अंसारी, उनकी जो मेहनत है उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये सारे कार्य को अंजाम दिया। साथ ही साथ में मुमताज अंसारी जो उनके सहयोगी थे उन्होंने भी इसमें काफी मदद की, तो क्या कुछ है सारा मामला आइए देखते हैं। मिला बहुत कुछ, मिला साजिद भाई अपना मुमताज भाई, जो कुछ भी हुआ जब से हुआ है वो दोनों हमारे साथ ही है और हमारे साथ रहे जब से हादसा हुआ है, ना घर गए ना कुछ, जब से हमारे साथ है और ये जो कुछ भी मिला है उन लोग दोनों की वजह से ही मिला है।
4 लाख रुपए का चेक मिला है और भी कहीं से मदद मिली आपको? तोरण से मिली है, साजिद भाई अपना मुमताज भाई की वजह से मिली। कितना अमाउंट मिला है? 5 लाख रुपए का चेक। और कितना दिन बोले? 7.5 बोले और 2.5 लाख का भी चेक कर लिए साजिद भाई साथ। कितना देने वाले? 35 बोले। तोरण ऑफिसर से हम लोग की बात हुई है, मैंने तो बोला था 1 करोड़ का मांगने किया था मैंने होटल पे, लेकिन 1 करोड़ पे नहीं हो पाया मसला। वो 35 लाख बोले हम लोग देंगे तोरण कंपनी, और 10 लाख जो है गवर्नमेंट की तरफ से, 7 लाख पीएफ का, 3 लाख उसका इंश्योरेंस का, टोटल मतलब 45 लाख रुपये हम लोग का पीड़ित को मिलने वाला है। और 3, 11,000 और 2001 ये हर मंथली ये बच्ची को, मतलब लड़के की जो बीवी थी, बेवा हुई है वो, उसको हर महीना इतना पैसा देने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने जो पैसा दिलाया है उसमें जो है कि टोरन के इस तरह का जो शहर में माहौल बना रहे, उस पर क्या कहेंगे? दलाली कर रहे हैं? दलाली के वो तो लड़के के जो जिसका इंतकाल हुआ उसके घर वाले बताएंगे हम लोग ने क्या किया। उनके वो हमारे साथों साथ में थे, जहाँ भी टोरन ऑफिस गए हम उनको साथ में लेकर गए। और अभी ऐसा कोई इल्जाम कोई पर्सनल शहर का आदमी नहीं लगा रहा है, ये पर्सनल एक पार्टी के कुछ लोग है जो नाकाम हो गए थे, जो चाहते थे कि टोरन के ऊपर FIR होना चाहिए, और उन्होंने पूरी ताकत लगाई। तुम्हारे पास क्लिप भी होगी, मैं भेज देता हूँ MLA साहब की, उन्होंने बम्बई में बैठ के क्या बोला था। तो मुझे वो FIR की कॉपी चाहिए, वो FIR वो नहीं करा पाए, उनकी गलती है। अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने का ये कुछ लोगों का काम है, शहर का इल्जाम नहीं है, ये एक पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों का काम है। बाकी पूरा शहर और इनके वार्ड के लोग, उनके घर के लोग, कुछ लोगों ने पार्टी के लोगों ने, आम लोगों ने नहीं, एक पक्ष के लोगों ने। साजिद भाई जो और बाकी इन्होंने क्या किया है, उनके घर वाले तो तुम जाके मालूम कर लो, उनके फैमिली से मालूम कर लो, वो तुमको सब डिटेल बता देंगे। इन्होंने क्या क्या हेल्प की है और उन लोगों ने क्या किया है वो भी बता देंगे। वो खाली सियासत करते हैं, फोटो खिंचाना, क्रेडिट लेना, और उनके क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत सा काम रुक भी जाता है शहर का। अभी यहाँ पे भी वही होने वाला था। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के 150 से 200 कार्यकर्ता जमा थे निजामपुरा सेक्शन में FIR करवाने के लिए, तो क्यों नहीं हो पाया? वही उठा के सवाल तुम उनसे करो MLA साहब से कि क्यों नहीं हुई FIR। हम लोग खुद चाहते थे FIR होना चाहिए, जब FIR वो नहीं कर पाए तो इल्जाम दूसरे पे लगाने का कि तोड़ी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। अरे तुम FIR कराओ ना, किसने FIR करने मना किया था तुमको? आप बोल रहे कि आज भी वो यही करना चाहते थे, तो क्या करना चाहते? यहाँ सुनने में आया है कुछ लोगों का बोलना है कि यहाँ पे भी वो चेक रुकाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आगे अपने हाथ से चेक देंगे। मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला हिसाब है यहाँ पे। 35 लाख टोरेंट जाएगी और 10 लाख 7 लाख अपना PF का तो है उसका, 7 लाख मिलेगा, 3 लाख इंश्योरेंस का अंदर, टोटल 45 लाख मिलेगा। और जो कुछ लोग दलाली करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है दलाली कौन किया कौन नहीं किया तो मालूम पड़ेगा ही, उनके घर वाले से जाके पूछताछ करेंगे लोग, तो समझे। और ये जो मेरे को एक और ऐसा एक हादसा का जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली कोई हादसा हुआ उनको आपातकालीन के टाइम पे, तो मैं भी रशीद भाई के पास गया। रशीद भाई को बोला साहब मेरे वार्ड के लड़का जैसा तो मामला हुआ है, उसको बहुत गरीब है, वो लोग उनको भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो रशीद भाई हम लोग को कुछ नगर सेवक साथ में कल गए थे, प्रांत साहब से और तहसीलदार साहब से बात हुई, बोले कल तुम्हारे को हम लोग 4 लाख का चेक देंगे। और अल्लाह के फजल करम से आज 4 लाख का वो चेक मिला, 2 लाख का और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो फंड है, वो भी इंशाल्लाह ताला प्रोसीजर चल रहा है, उसका भी 2 लाख मिलेगा। आमदार साहब ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम 2 दिन से बॉडी ढूंढ रहे थे, क्या वो आपके साथ में ढूंढ रहे थे या अलग से? भाई वो तो दुनिया देख रही थी, चैनल चल ही रहा था भिवंडी और कामा गांव से, बहुत कहीं दूर का मामला नहीं है, दूर का मामला नहीं है भाई। ये तो हर जो सुन रहा था वो आ रहा था देखने के लिए, और जो जिसने जैसी मदद करी की, लेकिन मैं उसमें पॉलिटिक्स में सियासत नहीं करना चाहता हूँ। जो लोगों दुनिया ने देखी वो क्या, कौन आया कौन नहीं, कौन किया कौन काम नहीं किया, मैं नहीं उसके आगे बोल सकता। देखिए 16 तारीख को जुमा के दिन जो दर्दनाक हादसा हुआ, उससे न सिर्फ हम बल्कि पूरा शहर बहुत दुखी है। हम मृत के परिवार के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये राजनीति का इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कल साजिद भाई का मुझको फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा है कि भाई सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए, सरकार का एक पूरा नियम बना हुआ है कि अगर एक्सीडेंट होता है, पानी इतने मिलीमीटर से ज़्यादा गिरती है और उसमें जो हादसा होता है, सरकार को फ़ौरन उस परिवार को मिलना चाहिए।
इस ताल्लुक से मैं इन लोगों के साथ, हमारे काफी लोग साथ में थे, प्रांत ऑफिस में तहसीलदार साहब से और प्रांत साहब से हमने मुलाकात की और उनसे कहा कि भाई आप अपना पैसा इतना लेट क्यों हो रहा है, उसको फौरन रिलीज है। बोले नहीं, हम कर रहे हैं और हमारे पास सब पेपर आ चुका है और कल जो है इंशाअल्लाह ताला कल सुबह 11 बजे हम रेडी होके हम आपको दे देंगे। बहरहाल हमको कुछ समय लग गया उनको और 3:30 से 4 के बीच में अभी जो हमको बोले कि आके आप देख ले जाओ। जनरली तहसीलदार साहब ने अभी भी कहा कि ये पैसा हमको उनके घर पे जाके देना, हमारा ये फर्ज है, सरकार का ये फर्ज है कि उनके घर पे जाके देना, क्योंकि वो मृत का परिवार है, वो दुखी हैं और उनको यहाँ बुलाना और ये सब करती है अच्छा नहीं है, लेकिन किसी वजह से ठीक है, हो गया डिले। आज उसको 4 लाख का जो सरकार का जो फंड मिलना चाहिए था इमीडिएट, वो आज 4 लाख का चेक दिया गया है। हमारी कोशिश शुरू है, फॉरन ने जो अमाउंट दिया है, जो देने वाले हैं वो कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसको चढ़ाया गया, चढ़ा के भेजा गया, फिर आया वापस और ठीक है मृत्यु हो गई, हम उसके उनके साथ में हैं। तो हमारी कोशिश ये चल रही है कि और एक बड़ा अमाउंट उनको मिलना चाहिए ताकि परिवार जो है फिर से अपने पैर पे खड़ा हो सके। दूसरी अहम बात, उसके तीनों बच्चे मासूम हैं। बड़ी बच्ची ये खड़ी हमारे साथ में, उसकी उम्र मुश्किल से दूसरी क्लास में पढ़ रही, 7 या 8 साल की उम्र होगी, 7 साल की उम्र होगी, इससे छोटे 2 बच्चे हैं। ये सबको लेके चलना, फॉरन से हमारी ये भी बात चल रही है कि उसकी माँ के हाथ में हर महीने जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो ऑन ड्यूटी, उसकी डेथ हुई है, उसकी माँ के हाथ में कुछ पैसा पहुँचना चाहिए। हमारी पेंशन का जो भी है, हमारी जो भी अमाउंट है 13,000 रुपये बता रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि अच्छा अमाउंट ऐसा दो कि वो बच्चों का क्या नाम है गुजर बसर पालन पोषण कर सके। दूसरी हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश रहेगी, यह अभी भी चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम है, उसके तहत उनको कुछ अमाउंट मिलना चाहिए, 2 या कुछ 2 लाख या कुछ अमाउंट है। इसी तरह हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। इतना बड़ा हादसा मैं समझता हूँ कि भिवंडी शहर में ऑन ड्यूटी और इतनी हिम्मत करके उसने जो हम हमारे शहर के पावर सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए उसने जो अपनी जान पे खेल कर जो काम किया है, हम मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी से मिलकर हम चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से एक अच्छा अमाउंट उन लोगों को मिला जाए ताकि ये फैमिली एक सेटल हो। देखिए, हम लोग शुरू से मेहनत इसलिए कर रहे थे कि किसी भी तरह से जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और बॉडी आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने 7-7 दिन 8-8 दिन लोगों को बॉडी नहीं मिली और लोग ढूंढते रहते, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह साहिद भाई और मैं, हम दोनों ने कंटिन्यू वहाँ वो एरिया नहीं छोड़ा और जहाँ तक ढूंढने के हम लोगों की क्षमता थी वहाँ तक हम लोग ढूंढते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह संडे के दिन हम लोगों को बॉडी मिल गई और हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया, एम्बुलेंस बुलाया, हम लोगों ने पूरी मेहनत की। उसके बाद में उसको जब हम लोग उसका लास्ट पूरा जो करना था दफन का जो काम था वो हमने कर दिया, उसके बाद पीर के दिन हम लोग टोरेंट में सुबह से लग गए थे और हम लोगों ने पूरी कोशिश की टोरेंट से लड़ने की और हम लड़ने में कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए। हम लोग 1 करोड़ रुपए की मांगनी किए थे, जैसा कि आप सभी के सामने हम लोगों ने IGM के अंदर में हम लोगों ने कहा था कि किसी भी तरह से 1 करोड़ रुपए हमको उसको मिलना चाहिए। हम लोग अभी भी उस पर अड़े हुए हैं, लेकिन टोरेंट कहीं ना कहीं बहुत कम रुपए में सलटाना चाहती थी। हम लोग उसको लड़ते लड़ते हम लोग 35 लाख रुपए तक, आपके सामने मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को कि 35 लाख रुपए तक का वो तैयार हो गए। उसके बाद में जो और भी उसके 10 लाख 12 लाख के जो भी उसके और अमाउंट है वो भी टोरेंट देने के लिए तैयार है। एक्स्ट्रा और जो भी उसको मिलने वाला है वो भी उसको मिलेगा। साजिद भाई ने एक मेहनत और की तहसीलदार से कि भाई यहाँ से भी कुछ मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत, तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 लाख का चेक मिल गया, आप लोगों के सामने है। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जब से लेके अभी तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। आप अगर इस चीज को मेहनत करने का और घर वालों को सही इंसाफ दिलाने का, उसको कंपेंसेशन दिलाने का अगर काम हम लोग कर रहे हैं और इसको कोई अगर दलाली बोलता है तो आप लोग उसका बराबर जवाब आप दे सकते हो, मीडिया उसको जवाब दे सकती है, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि अगर आपको हमारे बारे में पूछना है तो हमारा जो एरिया, हमारा जो मोहल्ला है वहाँ पर आप जाकर पता करेंगे कि सारे वार्ड के लोग, एरिया के लोग ये कह रहे हैं कि ये काम जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हम लोगों से FIR से और किसी चीज़ से हमको मतलब नहीं है, FIR होए ना होए, हम ये चाहते हैं कि वो जो बच्चा है जो गया है, हमारे बीच का बच्चा है,
उसके घर वालों की जो आगे की जो जिंदगी है खूब अच्छे से गुजरना चाहिए, इसलिए हम लोग ये सारी मेहनत कर रहे हैं। अगर इसको कोई दलाली नाम देता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम दलाल हैं।